हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन। देखें, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची एमसीक्यूज सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब उनका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शॉर्टकट या लॉन्ग कट ये बात की बात है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब तक आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, उस वक्त तक आपके लिए फिर एमसीक्यूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये चैप्टर नंबर 6 मैं करवा रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर 6 के तमाम एक्सरसाइजेस 6.1 से लेकर 6.11 तक का कॉन्सेप्ट होगा, तो आप एमसीक्यूज कर सकेंगे, वरना नहीं। हाँ, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ होगी तो आपका क्या आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, 90% एमसीक्यूज जो होते हैं चैप्टर नंबर 6 के, 100% नहीं कह रहा, 90% कह रहा हूँ, वो रिलेटेड होते हैं एलन के, यानी कि जिसमें एलन आ रहा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंटीग्रेट 1/x dx इज इक्वल्स टू एलन एक्स। दो रीज़न है इसके। एक तो आप इस तरह देखें कि भाई ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x। दूसरा और अनदर वे टू राइट द आंसर ऑफ 1/x dx, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के साथ एल एन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी। आई रिपीट अगेन, अगर किसी फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में मौजूद हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, आप नीचे वाले फंक्शन के साथ एल एन लगा देते हैं, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए एमसीक्यू नंबर 1 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 बड़ा ज़बरदस्त है। इफ़ एन इज इक्वल्स टू -1, देन इंटीग्रेट एफ एक्स की पावर एन f(x dx) कह रहा है भाई, अगर n की वैल्यू -1 हो, अगर n की वैल्यू -1 हो, तो f(x) की पावर n f(dx) का इंटीग्रेशन क्या होगा। सवाल समझ में आ गया आपको? अगर n की वैल्यू -1 हो तो फिर इंटीग्रेशन f(x) की पावर n f(x dx) क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेट f(x) की पावर, क्या लिखा हुआ है सवाल में, n की जगह पर हम लगा दें -1, f(x) dx। अगला स्टेप, ये जो f(x) लिखा हुआ है इसको ऐसे ही छोड़ दें, अपॉन में f(x) की पावर -1, इस -1 को +1 बनाने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं। अब f(x) की पावर क्या हो गई, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है अभी कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा देते हैं। अब देखें, नीचे एफ एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ आप ln लगा दें और प्लस सी कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ln एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए, ये समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एक दफ़ा समझ जाएंगे तो ये जो आपका MCQ है ये एक मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। सही है जनाब? चलिए MCQ नंबर टू करते हैं। MCQ नंबर टू है, इंटीग्रेट dx अपॉन 3 + x². अब इसको इंटीग्रेट करना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सरसाइज 6.2 में, dx अपॉन a² + x². यह फॉर्मूला क्या होता है जनाब? 1 / a tan इनवर्स x / a + c। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बड़े बड़े फार्मूलों की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लाने के लिए पहले एक काम करेंगे, 3 को हम लिख सकते हैं √3² और x को हम लिख दें x², दैट्स इट। अब लगा दें ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, 1 / a, यहाँ पर a क्या है? √3, tan इनवर्स, x क्या है? x है, a क्या है? √3 + c, आंसर आ गया। तो चार में से ये जो ऑप्शन होगा यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं, MCQ नंबर 3, इंटीग्रेट e^(x²)2x dx। तो e^x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e^x + c होता है। सही है जनाब? यानी कि अगर e^x और x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर x का डेरिवेटिव मौजूद हो dx के साथ लिखा हुआ तो e पे जो भी होता है एज इट इज आ जाता है। अब देखें, e पे क्या लिखा हुआ है सवाल में? x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, ये मौजूद है तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? e^(x²)c। तो करेक्ट ऑप्शन में ये आंसर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेट 1 + x(x²)2x dx। इंतहाई आसान सवाल है, अगर आप गौर से देखें तो नीचे लिखा हुआ x² का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर 2x नहीं है बल्कि x मौजूद है, फिर लिखा हुआ है 2x, का डेरिवेटिव होता है 2, ऊपर 1 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और अलजेब्रा का उसूल ये है कि अगर मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करो। 2 बन जा 2 और 2 × x 2x 2 बन जा 2, बस मैंने आगे पीछे करके लिख दिया ताकि चीज़ क्लियर नज़र आए। अब गौर से देखो, x² का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, 2x का डेरिवेटिव 2 मौजूद है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसके साथ लगा दो ln x² + 2x + c। तो चार में से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक काम और भी हो सकता है, बल्कि नहीं, सॉरी, जो ऑप्शन दिए मैं वो ये नहीं दिया हुआ, आई एम सॉरी, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हम जानते हैं कि ln एक लॉग है, लॉग से पहले जो नंबर होता है
उसको हम लॉग के बाद जो नंबर होता है उसकी पावर बना सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 1/2 क्या होता है? रूट होता है प्लस सी। तो ऑप्शन में असल में ये आंसर दिया हुआ, तो ये बना के दिखाना ज़रूरी था। चलो एमसीक्यू नंबर 5 करते। पांच पर तो इंतहाई आसान है, इंटीग्रेट एक्स की पावर माइनस 1 डी एक्स। सिंपल, एक्स की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/(x) dx। एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी आंसर। तो यही ऑप्शन में आपके पास करेक्ट आंसर है। छठा, अब एक फार्मूला पूछ लिया है छठे में इसने। एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो फार्मूला लिस्ट लिखी हुई है आप जो हैं वो फार्मूला याद कर लें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के स्पेशली। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसमें कोई स्टेप्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल याद होना चाहिए। तो ये रट्टे के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये वाला एमसीक्यूस। सातवां, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है एफ डी एक्स, तो बस सिंपल क्या हो जाएगा एल एन एफ एक्स प्लस सी। यकीन करें ये वाले एम सी क्यू ज़्यादातर बच्चे जो एफ वाले होते हैं, जो एल एन वाले होते हैं, ज़्यादातर बच्चे ये एम सी क्यूज जो हैं वो गलत कर कर आते हैं। अच्छा, अब एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है छोटी सी, मतलब वर्डिंग में एम सी क्यूज मांगा है उसने। एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। बहुत आसान है, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल, देखें डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जिसमें लिमिट लगी हुई होती है। तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बट एंटी डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का वो इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी कि विदाउट लिमिट जो होता है वो कहलाता है। सही जनाब, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यू नंबर 8। नवा करते हैं। नाइन, ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अभी बताया था कि ई पर जो चीज़ लिखी हुई हो अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो सिंपल ई जो होता है वो उसका आंसर होता है। तो ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डेरिवेटिव मौजूद है तो ये हो जाएगा ई पावर साइन एक्स प्लस सी आंसर। दसवां एमसीक्यूज, अब ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेट कोसेक एक्स डी एक्स। ये सारे फार्मूले आपको दिए हुए, इंटीग्रेट कोसेक एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है जनाब एल एन टेन एक्स अपॉन 2 + c। 11, इंटीग्रेट 2x/(1+x²) dx। 1+x² का डेरिवेटिव क्या है, 1 का होता है 0, x² का होता है 2x। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन के साथ एरन लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो चार में से यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब एक फार्मूला पूछा उसने, इंटीग्रेट sec x dx। तो ये हो जाएगा जनाब ln, इसका फार्मूला क्या होता है मुझे भी याद है, ln sec x प्लस 10x प्लस सी। सही है जनाब। 13, ई की पावर 2x dx। अब ई पे क्या है, 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, 2 मौजूद नहीं है, तो 2 मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दो,
तो अब 1/2 मौजूद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x+c। तो करेक्ट ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, ये आंसर आपको नजर आ जाएगा। MCQ नंबर 14, इंटीग्रेट AX+B की पावर n dx इफ n इज इक्वल टू -1। बहुत आसान है, वही चीज़ है ये, AX+B की पावर -1 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू दी हुई है। इंटीग्रेट इसको नीचे ले जाओ, 1/AX+B की पावर वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए, बी का तो ज़ीरो क्योंकि बी कांस्टेंट है, तो ए मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दो और ए से डिवाइड कर दो, तो 1/a। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो क्या आंसर आ जाता है, नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा देते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन में ये आंसर मौजूद है। 15वां MCQ, बहुत ज़बरदस्त MCQ, अब इंतहाई आसान है मगर बड़े मज़े का है। 10 45° dx, अब देखें कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर नहीं आता, तो पहले इसको बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा 10 45, क्या होता है 1, ये आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो 1 × x, x x+c आंसर आ गया। 16, अच्छा देखें, चार में से मैं एक ऑप्शन जो है ना वो जो सही ऑप्शन है खाली वो लिख रहा हूँ, बाकी तीन गलत ऑप्शन ऑप्शन जो है वो नहीं लिख रहा, तो आप प्लीज़ अपने पासवर्ड्स में से देख लीजिएगा, इसको ज़रूरत नहीं है देखने की क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पे फोकस करना पड़ता है। e की पावर x sin x + cos x dx। अब एक तरीका तो ये कि सवाल को u × v के फार्मूले से करो, लेकिन ये MCQ है, u × v का फार्मूला का ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, e के साथ अगर फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल e की पावर x तो ऐसे ही आ जाएगा और जो साइन एक्स है वो आ जाएगा ऐसे ही, तो e की पावर x साइन एक्स जो है वो इसका फाइनल आंसर है, e की पावर x साइन एक्स। फिर बता रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, तो जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है उसको ex के साथ लिख देंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 17। सेवनटीन बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इंटीग्रेट dx/x+1 x+2। वैसे तो ये सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का है, एक्सरसाइज 6.9, बट इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, x+1, x का डेरिवेटिव 1 होता है ऊपर मौजूद है, x+2 का डेरिवेटिव ऊपर, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ln के साथ पहली ब्रैकेट माइनस ln के साथ दूसरी ब्रैकेट, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, चार में से यही करेक्ट ऑप्शन है, सही है जनाब। चलिए अब हम करते हैं 18वां, इंटीग्रेट 10 2x dx। अब टेन का जो होता है, टेन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln sec,
तो टेन एक्स का होता है एल एन सेक एक्स, टेन एल एन टेन टू एक्स का होगा एल एन सेक टू एक्स, बट टू का जो डेरिवेटिव होता है टू वो आ जाएगा नीचे, तो अपॉन में आएगा टू प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है कि टेन का इंटीग्रेशन एल एन, तो टेन टू एक्स का एल एन सेक टू एक्स, सॉरी टेन का इंटीग्रेशन एल एन सेक और टेन टू एक्स का एल एन सेक टू एक्स, और टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड होते हैं, याद रखिएगा। 19 ई की पावर 3x इंटू 3 डी एक्स, तो 3x का डेरिवेटिव 3 मौजूद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर 3x प्लस सी आंसर। 25 MCQs, देखें कितनी दफ़ा एलन आ चुका है, ये भी एलन का है, इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही करवा चुका हूँ, ये रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या था, एलन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का रूट, कैसे आया ये पीछे मैंने करवा दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं 21वां MCQs। इक्कीस क्या है हमारे पास, e की पावर ए एक्स डी एक्स, तो इंतहा आसान है, e की पावर ए एक्स का होगा e की पावर x, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a प्लस सी आ गया। 22वां सवाल, इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस सी आंसर। 23वां MCQs, ये तो इंतहाई आसान है, ये भी अगर किसी बच्चे ने e की पावर x का e की पावर x प्लस सी हो गया आंसर, तो ये अगर किसी बच्चे ने छोड़ा होगा तो मैं समझता हूँ बहुत बदनसीब हो गया होगा। 21वां अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका, एल एन एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। चले 25वां MCQs करते हैं, पच्चीसवा MCQs क्या है, e की पावर 10x और यहाँ लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर 10x प्लस सी आंसर। 26, अब 26 से my MCQs स्टार्ट होना है, यानी कि जो मैंने बनाए हैं, सही है, तो जो मैंने बनाए हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इंटीग्रेट sec x 10x अपॉन 2 प्लस 3 sec x, देखें 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, sec x का क्या होता है, sec x 10x, लेकिन 3 जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, तो अब जब तक ये 3 ख़त्म नहीं होगा, यानी कि 3 sec x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 3 sin x 3 sec x 10x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो अब ये हो गया जनाब 1 अपॉन 3 एल एन, नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 sec x, और ये 1 अपॉन 3 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 sec x, और 1 अपॉन 3 क्या होता है, क्यूब रूट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर में ये दिया हुआ था इसलिए बताना ज़रूरी था।
चलिए जनाब, अब हम करते हैं 27वां एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज 25 के बाद से जो हैं ये मेरे अपने एमसीक्यूज हैं जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। इंटीग्रेट 27वां, इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखें कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर क्या है, साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, तो अब सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस के ऊपर माइनस साइन मौजूद है, तो ये हो जाएगा एल एन कॉस एक्स। और पावर को लॉग के बाद भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स की पावर माइनस वन। कॉस की पावर माइनस वन क्या होती है, वन अपॉन कॉस एक्स। और वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो एल एन सेक एक्स प्लस सी इसका आंसर आ गया। बड़ा ज़बरदस्त एम सी क्यूज है, इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। 28वां एल एन एक्स डी एक्स। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि एल एन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो ये हो जाएगा एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये आप याद कर लीजिएगा, वरना ये 6.7 के कॉन्सेप्ट से अगर करूँगा तो वो तो कॉन्सेप्ट है यू इंटू बी का फार्मूला, तो एग्जाम में हमारे पास टाइम थोड़ी होता है इतना। तो एल एन एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। सही है। 29वां एम सी क्यूज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड। भाई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नजर आए, ये एक्सरसाइज 6.11 का कॉन्सेप्ट है, उसका नाम क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट। समझ में आई बात, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स नज़र आए उस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम करते हैं एक सवाल, ये सवाल चैप्टर 6 से रिलेटेड नहीं है, चैप्टर 4 से रिलेटेड है डेरिवेटिव का, तो ये करना ज़रूरी था तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। डी बाई डी एक्स एल एन ई। सही है जनाब। तो याद रखिएगा एल एन और ई एक दूसरे को काट देते हैं, और जब कटते हैं तो क्या बचता है, वन। और वन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि वन क्या है, कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। 31 इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर की इसका एक जो तरीका है वो ये है कि जी एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, फिर पावर में वन ऐड करो, वही चीज़ नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स। सही है जनाब, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। तो बस यही तरीका आप कर लें। 32 32 क्या है भाई, इंटीग्रेट ए की पावर एक्स डी एक्स। ये 6.2 से जो पहले फॉर्मूले दिए हुए, ये एक फार्मूला है कि अगर कांस्टेंट की पावर एक्स आ जाए तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। तो ये बेटा आपने भूलना नहीं है, ये फार्मूला है ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। अब हम करते हैं 33 इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप जानते हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेन एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
एमसीक्यू नंबर 34। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। सही है जनाब, ये था 34। नाउ 35, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इंतहा आसान है, बस आपको खाली क्या करना है, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, एक्स एक्स ही है, और अपॉन में आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? 3। तो ये आपका आंसर आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, 36। अगर आपके पास ए बी लिमिट दी हुई हो, यानी कि एक जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल हो, और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये सवाल है। रिप्रेजेंट्स तो मैं आपको बता देता हूँ, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन के थ्रू फौरन निकल आता है। चलिए अब करते हैं 37 नंबर। क्या है ये सारे एमसीक्यूस मैंने बनाए हैं अपने, 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द सब्स्टिट्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है? ए टेन थीटा। क्या होती है? ए टेन थीटा। और अगर ये सारे क्या हैं, तीन फार्मूले हैं जो 6.5 से पहले दिए हुए, अगर हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, द सब्स्टिट्यूशन इज क्या होता है? ए सेक थीटा। 39, फिर लिखेंगे 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, द सब्स्टिट्यूशन इज ए साइन थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, तीन मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एक और बड़ा सा बड़ा सवाल, इंटीग्रेट ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इतना मुश्किल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, क्या शिकल है इसकी, लेकिन ये इंतहाई आसान है। ई के साथ एक ब्रैकेट हो, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन हो, तो अगर आप 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, गारंटी है। तो ऐसी सूरत में इंटीग्रेशन क्या होती है? ई की पावर एक्स, और जो पहला वाला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगला वाला लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो शर्त क्या बताइए मैंने आपको? पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाले फंक्शन हो, इसका डेरिवेटिव ये मौजूद होना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं 41। क्या है? द एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेट 1 टू 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो हम जानते हैं कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आंसर जो आता है वो एरिया अंडर द कर्व ही आता है। तो एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और लिमिट लगा देंगे वन टू थ्री, वन अपॉन थ्री, थ्री एक्स 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 क्यूब, यानी कि पहले थ्री लगाएंगे, थ्री का क्यूब क्या होता है 27, माइनस एक्स क्यूब है यानी कि वन का क्यूब वन होता है, तो ये हो गया जनाब 27 माइनस वन 26 अपॉन थ्री, आंसर आ गया 42। दी सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू साइन x। तो ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने असल में लिया है वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज 6.11 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, बहुत आसान है। dy के बजाय लिख दें y, और साइन का हो, आपको पता है साइन का होता है माइनस कॉस x प्लस सी, आंसर। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स, सही है जनाब। चलिए अब अगला एम सी क्यूज करते हैं, एम सी क्यू नंबर 43। क्या है जनाब, द सॉल्यूशन ऑफ, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर साइन एक्स, बहुत आसान है। सबसे पहले डी वाई कर लें, और एक मिनट, इस वाई स्क्वायर को नीचे ले जाएं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स, इस डी एक्स को यहाँ ले जाएं, दोनों को इंटीग्रेट कर दें। जब आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई, और साइन एक्स का जो होता है हम जानते हैं वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। तो समझ में आया जनाब आपको अच्छी तरह से, मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश की है कि मैं आपको बहुत एक्सप्लेन इजीली करूं, डिटेल जहां ज़रूरत हो वहां डिटेल ही बताऊं, ऑप्शन तो एक ही होता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज किए। तो जिस तरह पीछे चैप्टर्स में कहता हुआ आ रहा हूँ कि जी आपको अब इन एमसीक्यूज के बाद कोई से भी एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, वरना एमसीक्यूज यही आएंगे। तो खूब प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो मैथ विद सरासिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को